खबर है मध्य प्रदेश के विदिशा से। विदिशा जिले के कोविड प्रभारी एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक हुई, जिसमें मंगलवार से किराना की दुकान सहित फल सब्जियां डेयरी दुग्ध केंद्र को पूरे दिन 100% खोलने पर सहमति बनी है। वहीं सराफा कपड़ा जूता इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल हार्डवेयर मिठाई आदि की दुकानों को फिलहाल छूट में अनुमति नहीं मिली है। कोरोना संक्रमण के चलते शहर में अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी तरह के व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन संक्रमण की दर कम होते ही अब 1 जून से जरूरी दुकान खुल सकेगी। बैठक में हुए निर्णय के मुताबिक डीजल पंप रसोई गैस सभी कृषि गतिविधियों कृषि उपज मंडी खाद बीज कृषि यंत्र की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक बीमा कार्यालय एवं ATM चलते रहेंगे। ऑटो ई रिक्शा में 2 सवारी टैक्सी और निजी 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा 2 पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। अस्पताल नर्सिंग होम क्लिनिक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल खुले रहेंगे। केमिस्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें किराना दुकानें फल और सब्जियां डेयरी एवं दुग्ध केंद्र आटा चक्की पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रही जा सकती है।